हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बालों को लंबे घने करने का एक आसान तरीका बताने वाली हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम में काफ़ी सारे लोग बालों का ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि बालों का ध्यान कंपलसरी है सर्दी का मौसम में, और बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। और आज मैं आपको उनका इलाज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, इससे अपने बाल जो है हेल्दी रहेंगे, सर्दी का मौसम में भी बाल ड्राई नहीं होगा, और बालों के अंदर सर्दी का मौसम में काफ़ी सारे लोगों को डैंड्रफ हो जाती है, तो उसको भी हटा के अपने बालों को हेल्दीली ग्रो करने का एक अमेजिंग तरीका इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको जरूर अच्छे मिल जाएंगे। सो चलिए वीडियो को हम देखते हैं। बालों को लंबे घने करने के लिए हमें मेन चीज़ चाहिए मेथी सीड्स। मेथी सीड्स अपना बालों को लंबाई बढ़ाता है और इससे बाल भी अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि मेथी सीड्स हेल्थ के लिए ही नहीं अपना बालों के लिए भी बहुत अच्छा इलाज है। अगर आपका बाल बॉल हेड है, अगर आपका बालों के ऊपर इचिंग इरिटेशन है और इन्फेक्शन है, उसको भी हटाना है, तो मेथी सीड्स को कंपलसरी इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं इस नुस्खे में मेथी सीड्स ऐड कर चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ 2 चम्मच मेथी सीड्स। ये मेथी सीड्स को पानी में भिगा के 6 घंटे के लिए, इसके बाद इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाना चाहिए। अभी सबसे पहले एक बॉल में 1/2 कप दही लीजिए। ये दही में हमें ऐड करना है मेथी सीड्स का रस ऐड करना चाहिए। मेथी सीड्स का रस मैं यहाँ पे 1 छोटा सा कप ऐड कर चुकी हूँ मेथी सीड्स का रस। अब ये दो चीज़ को अच्छे से मिला लेना। आप देख सकते हो मेथी सीड्स को अच्छे से भिगा के पानी में भिगो के ग्राइंड करके इसका रस निकालना चाहिए। देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा चेंज हुआ है। मेथी सीड्स अपना बालों को लंबाई कर देते हैं और इससे अपना बाल भी बहुत हेल्दी ग्रो होने लगेंगे। अगर आपके बाल छोटे हैं, लंबा करना चाहे, तो इस मेथी सीड्स और दही को इस तरह इस्तेमाल करना है। अब देव चीज़ को अच्छे से मिलाना है। अभी तैयार हो गया है इस पैक। इस पैक को कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊँगी। इस पैक को आप पहले अपना बालों को अच्छे से ऑयलिंग करना है। बालों को अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद 1/2 घंटे के बाद इस पैक को अपना हेयर पैक ब्रश की मदद से आप इस पैक को अप्लाई करना चाहिए ऑल ओवर स्कैल्प से लेके पूरा बालों को जितना तक लेंथ है उतना लेंथ तक ये पैक अप्लाई करना है। अप्लाई करके 1/2 घंटे तक छोड़ दीजिए। 1/2 घंटे के बाद आप किसी भी रेगुलर शैम्पू से अपना बालों को वॉश कीजिए। इस तरह इस ट्रीटमेंट को हफ्ते में 2 से 3 बार करना चाहिए। 2 से 3 बार करने में आपको 100% विजिबल डिफरेंस दिखेगा, अपना स्कैल्प भी नीटली रहता है। अगर आपको बॉल्ड हेड है, अगर आप मेन यूज़ करना है बॉल्ड हेड है, तो आप इस इलाज को हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कीजिए। बॉल्ड हेड का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और अपना बाल भी बहुत ग्रो होने लगेंगे। अगर आप टीनेजर हो तो आप टीनेजर हो अब हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। इस तरह इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से अपना बाल हेल्दी ग्रो होने लगेंगे, कभी बॉल्ड हेड का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगा। ये 100% नेचुरल और सेफ इफेक्टिव नुस्खा है अपने बालों के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज की मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। फिर मिलती हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, और साइड पर बेल आइकन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक कीजिए।